हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बूट पी और डी एच सी पी में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट जो बूट पी है बूट स्ट्रेप प्रोटोकॉल, अपन बूट पी को क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रेप प्रोटोकॉल, और डी एच सी पी को डायनेमिक होस्ट कॉन्फिगुरेशन प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल का एक ही काम होता है, दोनों आईपी एड्रेस असाइन कराते हैं नेटवर्क डिवाइस को। अब बूटपी में क्या होता है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल सपोर्ट स्टैटिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आईपी एड्रेस। ये स्टैटिक कॉन्फिग्रेशन असाइन कराता है आईपी एड्रेस का के लिए, और जो डीएचसीपी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, ये डायनेमिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आईपी एड्रेस सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट डिफरेंस है टेम्परेरी आईपी एड्रेसिंग इज नॉट प्रोवाइड। मतलब ये टेम्परेरी आईपी एड्रेसिंग नॉट नहीं प्रोवाइड करवाती, और डीएचसीपी में क्या होता है, टेम्परेरी आईपी एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाती है। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल डज नॉट सपोर्ट मोबिलिटी ऑफ मशीन, ये मोबिलिटी ऑफ मशीन को नहीं प्रोवाइड करवाती है, और इट सपोर्ट मोबिलिटी ऑफ मशीन, इसमें ये सपोर्ट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब जो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है इज प्रोन टू एरर आ सकता है इसमें, और जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है इज इम्यून टू एरर। सो इसका नेक्स्ट डिफरेंस इज लास्ट, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द डिस्कलेस कंप्यूटर्स, तो डिस्कलेस कंप्यूटर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, और वर्क स्टेशन बोल सकते हैं, कंप्यूटर और वर्क स्टेशन इक्वल। इट रिक्वायर डिस्क टू स्टोर एंड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, इसको डिस्क की जरूरत पड़ती है फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर एंड फॉरवर्ड करने के लिए। सो थैंक यू गाइज, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।